गीता देवी मेमोरियल अस्पताल का एक और कारनामा आया सामने। अस्पताल में इलाज में लापरवाही के कारण हुई मौत, महिला द्वारा कड़ी कार्यवाही की मांग। हाल ही में हुए पहाड़ी कोरवा महिला की मौत को लेकर गीता देवी अस्पताल चर्चे में आया था, जिस पर जिला प्रशासन अपनी कार्यवाही कर रहा है। इसी बीच अस्पताल से संबंधित एक और नया मामला सामने आया है, जहां जिले के बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत सुदामाबाई निवासी अंबेडकर चौक भद्रापरा ने एसपी कार्यालय पहुंच आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है कि डॉक्टर कवाची द्वारा इलाज में भारी लापरवाही बरती गई, जिससे उसकी बच्ची की मौत हो गई। उसने बताया कि मेरी पुत्री कलश टंडन को अपेंडिक्स की बीमारी थी, जिसे मेरे छोटे पुत्र उनीलाल के द्वारा बालको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से अपेंडिक्स का ऑपरेशन के लिए कोसाबाड़ी कोरबा स्थित गीता देवी मेमोरियल अस्पताल में 14 अगस्त 2021 को रिफर किया गया था, जहां उसका ऑपरेशन न कर उसे बिना ऑपरेशन के मेडिसिन से ही ठीक होने का हवाला देकर इलाज किया जा रहा था। वही शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा साजिश के तहत जान बूझ कर डिस्चार्ज नहीं करा गया, वही उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया, जिससे मेरी पुत्री की 21 अगस्त 2021 को शाम 4 बजे उसकी जान चली गई, जिसके जिम्मेदार गीता मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर व कंपाउंड हैं, जिनकी कड़ी पूछताछ किया जाना आवश्यक है। मुझे पूरा संदेह है कि मेरी पुत्री की मौत सामान्य स्थिति में नहीं हुई है, कहीं न कहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही एवं साजिश है। गीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में मेरी पुत्री का संदेहास्पद मौत के मामले में डॉक्टरों से कड़ी पूछताछ कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग पुलिस अधीक्षक कोरबा से की है। पहले कुछ खिलाए फिर वो टीके बयान पहले कुछ खावे बाद हाँ बेटा वो का कथे ना वो बेटी खत्म हो गए ना अस्पताल में भर्ती जैसे बालको अस्पताल में का कथे ना पतला दस्त हुई घर में पतला दस्त हुई बालको अस्पताल आई तो बालको अस्पताल में थोड़ा सी मार गए तो जो डॉक्टर बोलते महेश अगर डॉक्टर ये तेलुगु है के जा कहते का कहते गीता हॉस्पिटल में तो भर्ती हो जा रही पहली का कहते एक्सरे करा ले तो एक्सरे करा के कागज लदी कहा लेना तोर पेट में पेंटी से कही जा तुरंत तुरंत ऑपरेशन हो ही कही अब यहाँ कहा ले तुरंत तुरंत ऑपरेशन नहीं करी अब 4 दिन रोक ली तो हमारे बेटी कहते मैं अच्छा हो गया हूँ डॉक्टर कही मैं घर जहाँ कही मतलब छुट्टी दे देवा कही भैया मतलब राखी बांधे जाऊँ मैं कही रक्षाबंधन है तो कल जल देना बेटा आज हम जा कही एकदम मूड मिस है बेटा बहुत सुंदर से मोर बेटी है ये फोटो देख लो बेटा मोर बेटी की कितना अच्छा सिखावा दादा एकदम हीरोइन जैसे है बेटा मोर बेटी है नहीं छुट्टी दी दादा रात भर रोकी तहले ना ये देखकर फोटो रात भर रोकी तह ना एकदम से लो हो गए नारी है तहाँ वही 3 बजे के करीब मम्मी बेटी खत्म हो गए बेटा आप शुरू न जर न जूर पेट पीला सफा मार गई बेटा कुछ नहीं हुई धाकर पाछा आते बेटी मुड़ बीस के स्नादी से अम्मा चल घर जाबू कहीं से राजा हमर बेटी खत्म हो गई मोला पोसत पाला थी सोई मोर हाथ को भी सोई बोल उठी आज वो पेट पर छुरा भोग आ गए डॉक्टर छुरा भोग वो डॉक्टर के का नाम मतरम एक बालको वाला रिफर करे थे क्या ना महेश ना है डॉक्टर नाम महेश है हाँ महेश तो पहले वही लेते हैं दिखा रहे हैं वही पहले वही दिखाई से वही भर्ती करी सी है वही डॉक्टर ने कहाँ भर्ती करी एक बालको अस्पताल यहाँ देख गीता ने ताम घर वह जा कह के न तो कर था कुछ के सीधा नहीं ना ऑपरेशन के डॉक्टर के सीधा न नर्स के सीधा न कुछ नहीं बिल्कुल छोरा झोला छाप मोर बेटी ला का कथी उन्हें भर्ती कर दी गंवार लकड़ी जोता घर बेटा देखबे तो कैसे दिखा थी आदिवासी जैसे वो डॉक्टर है
वहीं भर्ती कर दी। अब चार दिन रही से पांचवा दिन छठे दिन में मोर बेटी छुट्टी मांगी तो नहीं दी जाता। आप शुरू मार के नजर नजूर कुछ नहीं दी। जब छुट्टी मांगी तो कहीं और सुबह शिकायत नहीं करा कि मोर बेटी ले छुट्टी नहीं करते, बताया नहीं कोई, कोई अधिकारी ला और कोई नहीं बताया, नहीं बताया बेटा। बहुत बीमार पड़ गए, खत्म हो गए तो मैं बीमार पड़ गए, बहुत झटका पड़ गए मोला लग तक बाकी। आज कितने दिन की बातें हैं? यह 3 महीना हो थे है। तो 3 महीने बाद आज की शिकायत कर रहे थे? हाँ दादा। अगर पहले और कहूँ शिकायत करे? नहीं करे हो राजा, कहूँ नहीं कर रहे हो, कोई नहीं कर रहे हो, यह पहली कर।